राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इशारों में ही कह दी बहुत बड़ी बात। लोकसभा चुनाव नतीजों के कुछ दिन बाद राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने अपने विरोधियों पर इशारों में हमला बोला है। उदयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आज तो लोग उसी उंगली को पहले काटने का प्रयास करते हैं जिसको पकड़कर वह चलना सीखते हैं। उदयपुर में आयोजित सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम उदयपुर में विशिष्ट जन सम्मान समारोह के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कहा, वफा का वह दौर अलग था, आज तो लोग उसी उंगली को पहले काटने का प्रयास करते हैं जिसको पकड़कर वह चलना सीखते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने उन लोगों को निशाना पर लिया है जिन्हें उन्होंने कभी राजस्थान की राजनीति में आगे बढ़ाया। जिस कार्यक्रम में वो पहुंची थी वहां पर असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे। पूर्व सीएम ने इस दौरान अपनी माँ विजयराजे सिंधिया का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी माता विजयराजे सिंधिया ने एमपी में साल 1967 में देश में पहली बार जनसंघ की सरकार बनाई और गोविंद नारायण सिंह को सीएम बनाया था। उस वक्त सुंदर सिंह भंडारी ने चिट्ठी लिखकर खुशी जाहिर की थी। उन्होंने ये भी कहा कि माँ ने बचपन से ही हमें संघ के संस्कार दिए। आपको बता दूं, कुछ महीने पहले राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला लेकिन वसुंधरा राजे को पार्टी अलकमान ने साइड कर दिया और उन्हें इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने इस बार भजनलाल शर्मा को राज्य की कमान सौंपी। वहीं हाल में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन राज्य में बहुत अच्छा नहीं रहा। राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 14 सीटें तो वहीं कांग्रेस और सहयोगी दलों को 11 सीटों पर जीत हासिल हुई।